की प्रातः सभा है 3 अगस्त 1968। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाए रहे हैं। समझने वाले दुनिया भी हद के बच्चे नहीं है जो इस जिस्मानी स्टेज में बैठे हों, और समझाने वाला बाप भी हद का नहीं है। बेहद का बाप अर्थात 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें रूहानी बाप आया हुआ है जो सभी रूहों का बाप है, वो बैठ समझाए रहे हैं। जैसे बाप समझाते हैं वैसे ही बच्चों को बैठ समझना चाहिए। कैसे? बाप रूहानी स्टेज में स्थित होकर समझाते हैं तो बच्चों को भी रूहानी स्टेज में रह करके सुनना चाहिए, परंतु माया तो बड़ी दुस्तर है। माया आत्माभिमानी स्टेज में टिकने नहीं देती है, घड़ी घड़ी देहबान में लाती है। ऐसे अपन को ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा समझने नहीं देती है। बाप तो देखते हैं ये साहबजादी और साहबजादे बैठे हुए हैं, साहब है ना, और वो साहब तो एक ही है। सिख लोग गाते भी हैं जप साहब को तो सुख मिले, औरों का नाम का जाप करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि और सब देहभान में रहने वाले हैं, सब आकरीन दुखदायी साबित होते हैं। एक ही साहब है जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव कल्याणकारी है, कभी भी दुख देकर किसी का कल्याण नहीं करता है। तो साहब को जपो, वो तो कहते हैं नाम को जपो, वो नहीं जानते हैं कि नाम का आधार काम होता है। जो जैसे काम करता है वैसा वैसा भक्ति मार्ग में उसका नाम जपा जाता है। रावण रुलाने का काम करता है तो रावयते लोकान रावण कहा जाता है। राम हरेक की मन बुद्धि को रमण कराने का काम करता है, बुद्धि रमण करती है, खेल करती है, प्रसन्न होती है, इसलिए उसको राम कहा जाता है। कहते भी हैं रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी बच्चे ही उसकी याद में रमण करते हैं। तो अभी तुम बच्चे साहबजादे और साहबजादियां हो, फिर भविष्य में शाहजादे और शाहजादियां बनाने के लिए बाप आए हैं। बाप किस लिए आए हैं? शाहजादा बनाने के लिए आए हैं। शाह होगा तो शाहजादा भी होगा,
शाहजहा देवियां भी होगी। बाप कहते हैं अपन को साहबजादे अभी समझो, अभी अपन को शाहजादा समझ करके नहीं बैठ जाना है। यहां तुम्हारी कोई राजा ही स्थापन नहीं हो गई है, तुम ब्राह्मण सेवाधारी हो। सेवाधारियों का काम होता है सेवा करना, सबकी सेवा करने वाले हो, सारी दुनिया की सेवा करने वाले हो, क्योंकि बाप तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के आया हुआ है। जो सेवाधारी होते हैं वो बड़े निर्माण चित्र होते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सात से ज्यादा कठोर होता है। मालिक की बातों को भी सुनता है, झड़प को भी सुनता है और उसकी सेवा भी करता है। तो तुम सेवादारी ब्राह्मण अभी समझो, शाह और शाहजादे नहीं समझना। हाँ साहबजादे हो फिर तुम भविष्य में प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले हो। यहां तुम आए ही हो ये प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, ये पक्का निश्चय रहे कि हम साहब के बच्चे और बच्चियां हैं। ये बात भी याद रहे तो बड़ी खुशी चढ़ी रहे। अपार सुख किस जन्म के लिए मिलने वाले हैं, परंतु कर्म भी फिर ऐसे करने चाहिए। साहब देखते हैं कि इनके कर्म कैसे हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वही शाहजादे और साहबजादे शाहजादियां बनते हैं, परंतु बाप देखते हैं कि अभी ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं। देह अभिमान में आकर कोई न कोई श्रीमत के विपरीत कर्म कर लेते हैं, तो फिर ऐसे विपरीत कर्म करने वाले शाहजादे और शाहजादियां नहीं बन सकेंगे। फिर क्या बनेंगे? फिर जाकर के प्रजा में दास दासियां बन पड़ेंगे। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं। बुद्धि में सदैव ये याद रखो कि अभी हम साहबजादे और साहबजादियां हैं, फिर हम भविष्य में शाहजादे और शाहजादियां बनेंगे। अच्छी तरह से बुद्धि में रखना चाहिए कि हम बैगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। बैगर उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ भी न हो। घर भी न हो, पद भी न हो, मान मर्तबा कुछ भी न हो, ऐसे बेघर बनेंगे, ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करेंगे तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जावेंगे। अभी भारत भी भिखारी है ना, तो जो भारत अभी भिखारी है
वो भविष्य में प्रिंस बनने वाला है। इस समय की वाणी है, है 68 की, 68 के लिए बोला भारत अभी भिखारी है। फिर घोषणा की भारत फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाला है। कब के लिए घोषणा की है? 10 वर्ष की घोषणा की 66 में, कि 10 वर्ष में भारत क्या बन जाएगा? लक्ष्मीनारायण के चित्र में घोषणा दी हुई है ना नीचे, वो लक्ष्मीनारायण का चित्र कब बना था? सन 66 में तैयार हुआ था, उस समय वो घोषणा छाप दी गई, मुरलियों में भी बोला गया, ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपाया गया। तो इशारा देते हैं कि जो भारत बैगर बन जाता है, उस भारत को बाप आकर के बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। ये बाप का 5 ईयर प्लान शुरू होता है 76 से। 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया गया, संपूर्ण बैगर तो संपूर्ण प्रिंस बन जाता है। अगर ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण बैगर नहीं बनता, ये बात सभी ब्राह्मणों के लिए लागू होती है, तो फुल प्रिंस भी नहीं बन सकता। जितना जितना जो जो बैगर बनेंगे, उतना उतना प्रिंस बनेंगे। कोई तो सतयुग के आग में ही प्रिंस बनेंगे, और 21 जन्म लगातार प्रिंस बनती रहेंगे। राजाई घराने में जन्म लेते रहेंगे, परंतु हर जन्म में तो कोई राजा बन न सके। कोई फिर ऐसे भी होंगे जो त्रेता के अंतिम जन्म में जाकर के प्रिंस बनेंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंस बनने के बाद फिर राजा बने। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं और राजाएं थोड़े बनते हैं। तो तुम जानते हो कि भारत अभी बैगर टू प्रिंस बनने वाला है। तो बाप देखते हैं कि कोई अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो जरूर ख्याल होगा इन बिचारों की क्या गति हो जाएगी। ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है, और ये कर्म करना बाप ही आकर के सिखाते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप बतलाते हैं। तो अभी तुम सिर्फ ये स्मरण करो कि हम साहबजादे हैं, और साहबजादे साहब को जपें। भक्ति मार्ग में नाम जपना होता है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में है याद, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य को स्मरण करने की बात है, स्मरण करने की बात है। कहेंगे मन मना भव, परंतु माया बड़ी दुस्तर है, ऐसी दुस्तर है जो कोई को कान से पकड़ लेती है,
कैसे पकड़ती है? कान से एक बाप की बात न सुन करके औरों की बातें कान पर धर लेते हैं, सुनते हैं बाप की बातों को, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं और औरों की बात कान पर धर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो कोई को माया कान से पकड़ लेती है, कोई को नाक से पकड़ती है। नाक से कैसे पकड़ती है? कुत्ते की कौन सी इंद्रिय बहुत तीखी होती है? है नाक। सूंघा सांगी बहुत करता है और इस सूंघा सांगी में तीव्र गति होने के कारण ही उसको कुत्ता कहा जाता है, कामी कुत्ता। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमियों को, दूसरों की दुर्गंध को बड़े प्यार से सूंघते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, देखें ये कैसा करता है। इन्हीं बातों में सारी ग्रहण शक्ति लगी रहती है। तो कोई को नाक से पकड़ती है, ऐसा पकड़ती है जो घूंसा गहरा लगाए देती है। उन प्रिंस प्रिंसेस को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी तुम बच्चों को खुशी होती है। वो दुनियावी प्रिंस प्रिंसेस जो होते हैं वो तो अल्पकाल के होते हैं और तुम तो 21 जन्म प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तुमको लॉटरी बहुत बड़ी मिलती है परंतु तुम्हारे में भी कोई कोई है जो श्रीमत के विपरीत कर्म करके लॉटरी को लात मार देते हैं। नहीं तो खुशी का पारा बहुत भारी चढ़ना चाहिए। हम साहब जादे हैं, फिर भविष्य में हम शाहजादे शाहजादियां बनेंगे अगर अपने कर्मों पर खबरदारी रखेंगे। तो कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है। एम आद्यक तो है कि हम यह बनने वाले हैं। क्या यह बनने वाले हैं? माने क्या? हम वह बनने वाले हैं जिनके ऊपर कोई भी दुनिया में उंगली नहीं उठाए सका। 33 करोड़ देवताओं के ऊपर उंगली उठाई गई है, सब देवताओं की ग्लानी की गई है, ब्रह्मा की ग्लानी की गई, शंकर की ग्लानी की गई, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं हुई है। तो बुद्धि में सदैव ये रहना चाहिए एम ऑब्जेक्ट कि हम यह लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं जिन्होंने ऐसा कोई ग्लानी का काम नहीं किया जो कोई इनके ऊपर उंगली उठाए सके। परमपिता परमात्मा है नई दुनिया रचने वाला। तो हम बच्चे भी जरूर नई दुनिया के मालिक होने चाहिए। ये तो बहुत सहज बात है परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण इतनी सहज बात के ऊपर भी बुद्धि टिकाए नहीं सकते हैं। कहां न कहां बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि को पक्का पक्का ठिकाना मिलता ही नहीं।
नहीं तो समझना चाहिए हम उनके बच्चे हैं जिनके साथ हमें ऊंचते ऊंच धाम में वापस जाना है। ये तो दुनिया बहुत नीची है, बहुत गंदी दुनिया है, और हमको जाना कहाँ है? हमको जाना है ऊंचते ऊंच पवित्र धाम में। तो ऐसा ऊंचते ऊंच जाने के लिए बाप हमको बहुत हल्का बनाते हैं। फूल कितना हल्का होता है, फूल समान हमारी बुद्धि बन जाती है, बड़े से बड़ा फूल बनाते हैं। किसको? जो कांटे जैसे होते हैं उनको फूल बनाते हैं। बड़े से बड़े फूल का नाम क्या है? कमल का फूल। कमल के फूल के समान हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी बनाई देते हैं। माया फिर नाक से पकड़ लेती है। जब माया नाक से पकड़ती है तो पूरा ही कांटा बनाई देती है, छोड़ती ही नहीं है। तो देखो, ये तुम बच्चों का युद्ध का मैदान है, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम देही अभिमानी हो तो बाप को याद करते हो, और देह अभिमानी बन पड़ते हो तो माया पकड़ लेती है। तो आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सोचना चाहिए हम क्या बनने के लिए आए हैं। ये खुशी रहनी चाहिए कि हम साहबजादे और साहबजादियां हैं। ऐसा साहबजादा और साहबजादा साहबजादी दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको साहबजादे और साहबजादियां बनाने के लिए आया हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूं, मुरली चलाने के लिए आया हूं, मुरली चला के चला जाऊंगा। नहीं, इसलिए आया हूं तुमको साहबजादे साहबजादियां बनाने के लिए आया हूं, फिर तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जावेंगे। सो भी विश्व के शाहजादे बनेंगे, छोटे मोटे शाह के जादे नहीं बनेंगे। नाम ही पड़ता है शाहजहां, जहां माने सारी दुनिया। सारी दुनिया का जो शाह बनता है कौन? नारायण। उस विश्व के मालिक के तुम बालक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, ऐसा तुमको भी बनना है। और तुम थे भी, फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे नीचे उतरते आए हो। ये कितनी सहज बातें हैं समझने की। विपरीत कर्म करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, ये बात याद करते रहो कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुकूल हम कर्म करते रहेंगे तो पद ऊंचा होता जाएगा। माया की मत पर या प्रभाव में आकर के विपरीत कर्म करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी विकर्म न करो, ये समझना तो बहुत सहज बात है। बाप कहते हैं
अति सहज रीते मैं तुमको बैगर से प्रिंस बनाता हूँ। इस समय तुम बाप के बच्चे हो, बाप गरीब निवाज बनकर के आया हुआ है, साहूकारों को बैगर टू प्रिंस नहीं बनाता है। जो गरीब होते हैं, बेघर होते हैं, ऐसे बेघर्स को मैं प्रिंस बनाता हूं। तुम्हारे दिल में ये बात है कि हम नरसिंहनारायण बनने आए हैं, तो जरूर पहले साहबजादे और साहबजादियां बनना पड़े, फिर ये शाहजादे और शाहजादियां बनेंगे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी ये है, तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पाई पैसे की प्रजा बनने के लिए यहां नहीं आए हैं। प्रजा वो बनते हैं जो औरों से प्रभावित होते रहते हैं। प्रभावित माना ही प्रजा, हम तो सिर्फ बाप की बातों से प्रभावित होते हैं, बाप के अलावा और कोई की बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर औरों की बातों से प्रभावित होते रहेंगे तो हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि राजा बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है, और दुनिया में ऊंचे से ऊंचा कोई भी धर्म पिता, कोई भी महात्मा, कोई भी धर्मात्मा ऐसा नहीं हुआ है जिसने राजाई सिखाई हो। सब दास दासी बनाते हैं, अपने अंडर में चलाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के आया हुआ हूं और तुमको राजा महाराजा बना के जाता हूं। मैं तो नहीं बनता हूं। ऐसा निष्कामी और दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता। फिर भी बाबा देखते हैं कि बच्चों की अवस्था ऐसी है, चलन ऐसी है कि माया अच्छी रीत से नाक कान से पकड़ लेती है और नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पकड़ती है। बाबा कोई सभी बच्चों के लिए एक ही बात नहीं कहते हैं, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है। बाप जानते हैं मैं तो कल्प कल्प आता हूं यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए। वो बेहद का बाप सभी का फादर है और हम सभी ब्रदर्स हैं, तो जरूर हम साहबजादे और साहबजादियां हैं। बाप द्वारा हम शाहजादे शाहजादियां बनेंगे और कल्प कल्प बनते रहेंगे। कितना सहज है, परंतु माया इतनी सहज बात के ऊपर भी निश्चय पक्का नहीं होने देती। ये युद्ध का मैदान तो अंत तक चलेगा, जब तक विनाश हो और जब तक तुम माया पर जीत पहनो तब तक ये युद्ध चलता ही रहेगा। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। इस समय माने इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा मर्तबा जितना ऊंचा बनता है उतना ऊंचा मर्तबा और दुनिया में किसी भी जन्म में नहीं बनता। जैसे आसमान के सितारे होते हैं, कितनी ऊंचाई पर चमकते हैं, वो हैं आसमान के सितारे, और तुम बनते हो धरती के सितारे जो विनाश के टाइम पर
महाविनाश के समय सारी दुनिया के बीच सबकी आंखों में इतने ऊंचे होकर के चमकते हो। तुम्हारी चमक ज्ञान की चमक है, ज्ञान की लाइट मारते हो। सारी दुनिया तुमको बहुत ऊंच समझती है, तो अपनी ऊंचाई को कब भूलना नहीं चाहिए। बाबा बताते हैं कि अभी तो इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे धंधे करने वालों का मर्तबा बहुत है, ऊंचे ऊंचे पदमान मर्तबा कुर्सियों पर बैठने वालों का मर्तबा बहुत है, धंधा धोरी वालों का मर्तबा बहुत है, पैसे वालों का मर्तबा बहुत है। लेकिन अभी थोड़े समय में ही ऐसा टाइम आने वाला है कि सब धंधों में होगा नुकसान, सब धंधे चौपट हो जावेंगे। एक ईश्वरीय धंधा संसार में इतना तीव्र गति से चलेगा जो सबको आश्चर्य हो जाएगा, और कोई भी धंधा अब चलने वाला नहीं है, देखने में भी आता है कि और धंधे चौपट होते जा रहे हैं। खास भारत में तो ऐसा हो रहा है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं अपने घर ग्रस्त में न रहो, घर ग्रस्त में भले रहो लेकिन मन मना भव हो करके रहो। अपने बाप को याद करते रहेंगे तो तुम नर से नारायण बन जावेंगे। 3 अगस्त 68 की वाणी का दूसरा पेज। और बाप को याद करना ये कोई कठिन है क्या? ये सभी को समझाते रहो कि ईश्वर हम सभी आत्माओं का बाप है। देहधारी मनुष्यों का बाप नहीं है। जितने भी इस दुनिया में देहधारी मनुष्य हैं, उनका बाप कौन है? देहधारी मनुष्यों का बाप है प्रजापिता, और उन मनुष्यों में रहने वाली जो आत्मा है उन आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव, जिसे ईश्वर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वरत्व अर्थात शासन करने वाला है, और मुसलमानों की तरह तलवार के जोर से शासन करने वाला नहीं है, क्रिश्चियंस की तरह लोभ में लेकर के शासन करने वाला नहीं है, चंटई चालाकी से शासन करने वाला नहीं है, एक एक के दिलों पर राज्य करने वाला है। दिलवाड़ा बाप है, सभी आत्माओं के ऊपर दिल पर शासन करता है। तो शासन करने वालों में वर अर्थात श्रेष्ठ कहा जाता है, और हम उसी बाप के बच्चे हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। वो एक ही बाप है जो नई दुनिया रचने वाला है। प्यार का सागर कहा जाता है, इसलिए नई दुनिया रचने वाला है, सारे विश्व के ऊपर शासन करने वाला है और सारे विश्व का मालिक बनाने वाला है। नहीं तो जोर जबरदस्ती से दुनिया में कोई भी हिटलर नेपोलियन अथवा कोई भी शेक्सपियर शासन नहीं कर सका है, क्योंकि उन्होंने हिंसा के आधार पर शासन करना चाहा। और बाप आकर हम बच्चों को भी
अहिंसक बनाते हैं, डबल अहिंसक बनाते हैं, स्थूल हिंसा भी नहीं करने देते और सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करने देते, तब नई दुनिया बनती है। ये पुरानी दुनिया को रावण की दुनिया कहा जाता है, ये रुलाने वालों की दुनिया है, सारे विश्व के ऊपर राज्य करने की आकांक्षा करने वाले आतताई रावण है, हिंसा के आधार पर कितने बीवी बाल बच्चों को यतीम बनाए देते हैं, बाप आते हैं तो ऐसी हिंसा को नेस्त नाबूद कर देते हैं 2500 साल के लिए, कितना अच्छा समझाते हैं। तो नई दुनिया में तुम्हारा बहुत भारी पद बनने वाला है, अगर अपने घाटे और फायदे का पोता मेल नहीं रखेंगे तो फेल हो जावेंगे। माया ऐसी है जो तुमको फेल कराए देगी और बहुतों को फेल करती रहती है, ऐसी ये माया की युद्ध चलती ही रहती है। कहते हैं ना, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, वास्तव में असुर होते हैं द्वापर कलयुग में और देवताएं होते हैं सतयुग त्रेता में, तो युद्ध कैसे लगेगी, ये तो हो नहीं सकता। वास्तव में ये संगम युग की बातें हैं, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनके देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं, और जो श्रीमत का उल्लंघन करने वाले हैं, विपरीत चलने वाले हैं, उनकी आसुरी चलन उनके आसुरी चेहरे तैयार कर देती है। तो कहा जाता है आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय को कहेंगे साहबजादे, ये बाप तुम्हारा सच्चा साहब है ना, तुम बच्चों को भी अंदर बाहर साफ रहना चाहिए, साफ दिल तो मुराद हासिल होगी, दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए, कुबुद्धि बनने से पदमान मर्तबा नई दुनिया में नष्ट हो जाएगा। अभी तुम्हारा सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, फखुर में रहो, हम किसके बच्चे हैं। बाप जब समझाते हैं तब तो नशा चढ़ता है, फिर जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो भूल जाते हैं, जैसे कोई शराबी होते हैं, शराबी भी जब शराब पीते हैं तो उनका नशा बहुत चढ़ जाता है। तुम्हारा भी ऐसे होता है, बाप के सामने बैठते हो तो नशा चढ़ जाता है और बाहर की दुनिया में जाते हो तो नशा उतर जाता है। बच्चे समझते हैं, जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमारे जैसा साहूकार तो दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों, हम बेगर हैं तो साहूकार कैसे हो गए। बेगर हैं दुनियावी धन के हिसाब से, जो दुनियावी धन आज है और कल नहीं रहेगा, और धनवान किस हिसाब से हैं, साहूकार हम किस हिसाब से हैं, हमारे जैसा साहूकार दुनिया में कोई भी नहीं है। जो बेहद का धन है ज्ञान रतन,
वो वेद के ज्ञान रत्न हम धारण करते हैं। दुनिया में इन रत्नों को कोई भी नहीं धारण कर रहा है, किसी को परवाह नहीं है इन ज्ञान रत्नों को धारण करने की। और हमने धारण किया है क्योंकि हम जानते हैं कि यही ज्ञान रत्न अब थोड़े ही समय के अंदर स्थूल रत्न बनने वाले हैं। कैसे बन जाएंगे? जो दुनियावी धंधे से दुनियावी धन इकट्ठा कर रहे हैं वो सब धंधे चौपट होने वाले हैं, और हम ईश्वरी धंधा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान रत्न इकट्ठे कर रहे हैं, जो विनाश के टाइम पर हर धर्म की मनुष्य आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान के पीछे पागल होकर के दौड़ेंगी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश काल फिरे, जब ऐसी स्टेज होगी तब ज्ञान का बोलबाला हो जाएगा। तो बोला, बाप तुमको ये अमृत का प्याला पिलाते हैं, इससे तुम इस समय तुम जैसे कि स्वर्ग में बैठे हो। बाहर निकलने से माया के राज्य में चले जाते हैं। बाप तुमको ज्ञान और योग का नशा चढ़ाते हैं, परंतु यहां से उठकर बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। साहब के सन्मुख रहते हैं तो भी कोई कोई ऐसे हैं जिनको नशा ही नहीं चढ़ता, अवस्था बनती ही नहीं। पाप कर्मों का बोझा इतना चढ़ाई कर रखते हैं कि बाप के सामने आने पर उनको बाप ही नहीं दिखाई देता। यहां तो आते ही हो इसलिए कि साहब के सन्मुख जावे, जाकर के महावाक्य सुने। साहब कैसे बैठ करके बच्चों को समझाते हैं वो देख करके खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाहर में जाते हैं तो मित्र संबंधी आदि का संग ऐसा लगता है जैसे कि आसुरों के संग में चले जाते हैं। तो समझना चाहिए तुम साहबजादों के अंदर कितनी फजीलत होनी चाहिए, कितनी दिल में सफाई होनी चाहिए। अगर साफ दिल होकर के नहीं रहेंगे तो मुफ्त में सजा खावेंगे, और जितनी जास्ती सजा खावेंगे उतना पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाप अंदर में देख बड़ा हर्षित होते हैं, ये साहबजादे बच्चे आए हैं। राम सीता तो सेकंड ग्रेड में है, तुमको उनके राज्य में थोड़े ही जाना चाहिए है? त्रेता में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। लेकिन सतयुग में जितने भी शाहजादे शाहजादियां बनेंगे या प्रजा बनेंगे वो त्रेता में जावेंगे या नहीं जावेंगे? हैं? जावेंगे। लेकिन लक्ष्य दिया है कि जो सतयुग में जावेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे गिरेंगे, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ करना है सतयुग में जाकर के हम ऊंच पद पावे, क्योंकि सतयुग में सूर्यवंशी होते हैं और त्रेता में चंद्रवंशी होते हैं। अभी तुम शिव की संतान हो और सतयुग में तुम दैवी संतान बनेंगे, तो ग्रेड ऊंचा होगा या नीचा हो जाएगा? है? सतयुग में दैवी संतान देवताओं की संतान होंगे, और अभी तुम शिव की संतान बनते हो, तो कौन सा ग्रेड ऊंचा है?
शिव की संतान है ब्राह्मण, और ब्राह्मण होते हैं चोटी के, तो ऊंचे से ऊंची स्टेज तुम्हारी अभी है। तुम सूर्यवंशी शाहजादे बनते हो, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य तुम्हारे ऊपर सरपरस्त है। अभी तुम नंबरवार महारथी हो, घोड़े सवार प्यादे भी हैं। महारथियों को जरूर ऐसी अवस्था होनी चाहिए। जैसे कि बाप समझाते हैं शाहजादों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप द्वारा हम भविष्य के लिए कितना ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम शिव की संतान, फिर दैवी संतान, तो यहाँ की रॉयल्टी तुम्हारी फिर वहां भी चलती रहेगी। वहां तुम ऊंचते ऊंच पैराडाइज के मालिक बनते हो, बाप ही आकर के पत्थर बुद्धि से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम जरूर स्वर्ग के शाहजादे शाहजादियां बनेंगे, हम सेकंड थर्ड क्लास के नहीं बनेंगे, त्रेता को भी सेकंड क्लास कहेंगे। परंतु बाबा तुम्हारी चलन देखते हैं तो वंडर लगता है, तब सोचते हैं कि अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को तुम नाक से पकड़ लेती हो। जैसी जैसी अवस्था है ऐसी ऐसी उनको माया लग जाती है। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। बच्चे आते हैं समझते हैं हम साहब के सन्मुख हो जावे तो भविष्य नई दुनिया के शाहजादे बनेंगे। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, और ऐसा ही कोई पाठशाला नहीं है जहां तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो। तुम अमरपुरी शिवालय के लिए पढ़ते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये युग कल्याणकारी युग है। तुम बच्चे भी कल्याणकारी पार्ट बजाने वाले हो। कई बच्चे अपना कल्याण करने के बदले अकल्याण करके नीचे गिर पड़ते हैं, परंतु एक बाप फिर भी उनको अपना शाहजादा कहलाते हैं, बार बार बुलाते हैं, कहते हैं बच्चे स्वर्ग में तो तुम जरूर आवेंगे, क्योंकि एक बार भी बाप के सन्मुख आए तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। एक दिन आया कुछ समझा, आकर के दिल से एक बार बाबा कहा तो भी वो स्वर्ग में आ जावेंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक अपने दिल साफ करके बाप के साथ बैठे हैं, नहीं तो अपने ऊपर तरस खाना चाहिए। बाबा तो फिर भी बच्चों के लिए रहम दिल है, जब बच्चे भी अपन पर रहम करें तब ना, बाप तो श्रीमत देंगे, कहेंगे तुम ये भूलें बार बार क्यों करते हो, घर में रहते हुए भी तुम समझ सकते हो। साहब के बच्चे होंगे तो विकारी काम नहीं कर सकते हो। बाप कर्म अकर्म विकर्म पर कितना समझाते हैं। तुम्हें भी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, कलयुगी मनुष्य जो कर्म करते हैं वो तो सभी पाप कर्म करते हैं। क्यों? पुण्य कर्म नहीं करते, क्योंकि उनको कर्म की गति का पता ही नहीं है, कर्म क्या होता है और विपरीत कर्म क्या होता है, पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, दुनिया ये बात जानती ही नहीं। बाप आकर के बतलाते हैं कि मैं जो रास्ता बताता हूं उस रास्ते पर चलने वाले पुण्य आत्मा बनते हैं, और मैं जो रास्ता बताता हूं उसके विपरीत चलने वाले पाप आत्मा बन पड़ते हैं।
भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। भ्रष्टाचारी मनुष्य कैसे कर्म करेंगे? भ्रष्टाचारी मनुष्य भ्रष्ट आचरण करने वाले कर्म ही करेंगे। श्रेष्ठाचारी देवताएं श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म तुम अभी संगम युग पर करते हो। सत्युग में जब तुम देवता बनेंगे तो चाहे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भी उन कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होगा, कर्म अकर्म हो जाएगा। एक तो तुम विकारी बनते हो, दूसरे फिर मेरी ग्लानि करते हो, तो ये डबल पाप का बोझ चढ़ जाता है। विकारी कर्म करने वाले की बुद्धि विकृत हो जाती है, और जब बुद्धि विकारी बन जाती है तो वाचा भी विकारी बन जाती है। कर्म इंद्रियां तो विकारी कर्म करती ही है, परंतु वाचा विकारी होने से बाप की ग्लानी करने का लग पड़ते हैं। तो कितना अपकार करते आए हो ड्रामा अनुसार, और कितनी कच्ची कच्ची गाली बाप को तुमने दी है। देवताओं को भी गालियां देते हो। इसके लिए कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी हुई है तब तब मैं आता हूं। और धर्म की ग्लानी होती ही है कलयुग के अंदर, जबकि तुम बाप को पहचान करके बाप को भूल जाते हो, औरों की बातें सुनने लग पड़ते हो, बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसे विकर्म हो पड़ते हैं। बाप का बन करके फिर विकर्म करेंगे तो तुम्हारा 100 गुना दंड बढ़ता जाएगा, फिर उन्नति नहीं हो सकेगी, और बुद्धि ऐसी बतित बन जाएगी जो तुम्हें याद भी एक्यूरेट नहीं कर सकेंगे। माया याद करने नहीं देती है, माया खुद समझती है ये पुण्य करने के लायक नहीं है। क्रिमिनल ख्यालात देख करके माया भी अटैक करती है। बच्चों ने देखा होगा जिनको बहुत टेंशन रहता है, उन टेंशन करने वालों में ही भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। ये भूत प्रेतानी आत्माएं भी माया का रूप है। 3 अगस्त 68 की वाणी का 3रा पेज। तो जो लायक नहीं है, नालायक है, उनको कहेंगे आसुरी रावण संप्रदाय। ये तो कहते भी हैं राक्षस राज्य है, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई असुरों और देवताओं की युद्ध हुई, नहीं। जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं और जो द्वापर कलयुग में परम धाम से उतरकर बार बार असुर बनते हैं और देवताओं को अपने प्रभाव में ले लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे असुर संगम युग में बाप के सन्मुख आकर के पार्ट जब बजाते हैं तब उनकी युद्ध चलती है। जो माया भी है वो माया की ओर लेते हैं, रावण का पक्ष लेते हैं, और जो राम संप्रदाय के हैं देवता बनने वाले हैं वो राम का पक्ष लेते हैं। तो इस समय की युद्ध की बात है, इस समय कोई तो वाइब्रेशन बनाते हैं, कोई वाइब्रेशन को बिगाड़ते हैं, कोई व्यभिचारी वाइब्रेशन बनाते हैं, कोई अव्यभिचारी बनाते हैं, कोई बाप के ऊपर निश्चय बिठाते हैं और कोई बाप के ऊपर निश्चय उखाड़ देते हैं।
कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं। माया है भगाने वाली और तुम बच्चे हो थमाने वाले। तो ये आसुरों की और देवताओं की युद्ध है। देवताएं होते हैं नई दुनिया के और असुर कलयुग पुरानी दुनिया के। क्या असुरों का राज्य होता है कलयुग की पुरानी दुनिया में और देवात्माओं का राज्य होता है नई दुनिया में? तो समझ सकते हो उनकी लड़ाई फिर कैसे होती है। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में सतयुग त्रेता श्रेष्ठ युगों में भी लड़ाई दिखाई दी है। द्वापर में महाभारत युद्ध दिखाई दिया है, लेकिन वास्तव में ये लड़ाई कहाँ की यादगार है? अभी संगम युग में देवात्माएं और असुरों का पक्ष लेने वाली आत्माएं दोनों इकट्ठी होती है। तो देखो शास्त्रों में कितना किचड़ा भर दिया है और सभी धर्मों के शास्त्र फिर भी ठीक हैं। ये तो मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। अभी बाप जो राजयोग सिखलाते हैं वो राजयोग की बातें तो प्रायः लोप हो जाती हैं। इन भारतवासियों के ही झूठ शास्त्र झूठे हैं तो अपन को हिंदू कह दिए हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया है। कभी कहते हैं राम ने, कभी कहते हैं कृष्ण ने, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। बाप बतलाते हैं कि 5000 वर्ष की बात है। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे भक्ति मार्ग के शास्त्र बनावेंगे। जब शास्त्र बनावेंगे तो सच की रत्ती भी नहीं रहेगी, झूठ ही झूठ। ईश्वर बाप को तो उड़ाए ही देते हैं। गीता का भगवान ही झूठा कर दिया, तो झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाप जो सच खंड स्थापन करते हैं उसमें सच ही सच होता है। क्या सच्चा होता है? और रावण जो झूठ राज्य स्थापन करते हैं, झूठ खंड बनाते हैं, उसमें झूठ ही झूठ होता है। क्या झूठ होता है? राम जो नई दुनिया स्थापन करते हैं सबकी बुद्धि में होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, ये है सच्ची बात। और रावण जो रावण राज्य स्थापन करते हैं उसकी सबकी बुद्धि में बैठ जाता है कि हम देह हैं, देवान में आते हैं, देह के जो बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, उनका वर्चस्व हो जाता है। फिर भी जो सब मनुष्य मात्र का बाप है जिसमें शिव बाप आते हैं वो फिर भी लोप हो जाता है। तो झूठ ही झूठ। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये बात कब भूलो नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि ईश्वर कौन है। अर्जुन और भील का मिसाल भी है। भील अर्जुन से भी तीखा हो गया। बाहर में रहने वाले ने तीर पूरा चट कर लिया। यहां भी ऐसे होता है, जो अंदर में रहने वाले हैं उनके लिए बाप कहते हैं अंदर में रहने वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। देशक में भी ऐसे हुआ,
बेसिक ज्ञान लिया। बेसिक ज्ञान लेने वालों में भी दो वर्ग थे, एक अंदर वाले जो सरेंडर बुद्धि होकर के रह रहे थे, समर्पित होकर के अंदर ही रहे पड़े थे, बाप के घर में रहे पड़े थे प्रैक्टिकल जीवन में। दूसरे वो थे जो घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते थे और बाप के घरों में यदा कदा या रोज क्लास करने के लिए आते थे। तो बाहर वाले भी पढ़ने वाले थे और अंदर रह करके भी पढ़ने वाले थे, उनके लिए भी ये वाक्य लागू हुआ, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या ले जावेंगे और क्या ले गए? 76 से जो बाहर वाले थे घरगृहस्थ की कीचड़ में रह करके पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो क्या ले गए? ईश्वरीय ज्ञान के तंत्र को पूरा चट कर लिया, ईश्वर बाप को पहचान लिया। और अंदर वाले जो बाप था उसको भूल गए और मां को बुद्धि से पकड़ लिया। वास्तव में माता का स्वरूप होता है प्रकृति का स्वरूप, पांच तत्वों का स्वरूप, और बाप होता है बीज। अगर बाप को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना। अभी भी एडवांस में ऐसा ही होने वाला है, जो अंदर वाले हैं वो बहुत हैं ऐसे जो पढ़ाई पूरी अच्छी रीति नहीं पढ़ते, रह जावेंगे, और बाहर वाले माने जो विजय माला है चंद्रवंश से आने वाली है, बाहर रहने वाली है, ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं है, वो आत्माएं ले जावेंगी। क्या ले जावेंगी है? क्या ले जावेंगी? अरे विजयमाला के मण के लक्ष्मी पद पालेंगे और रुद्रमाला के मण के लक्ष्मी पद नहीं पाए सकेंगे। क्यों नहीं पाए सकेंगे? क्योंकि ग्लानी करने के कारण जगदम्बा की भुजाएं बन पड़ेंगी। जगदम्बा महाकाली बनती है, महाकाली की भुजाएं बनेंगे तो लक्ष्मी कहे जाएंगे, महागौरी के पार्टधारी कहे जावेंगे या महाकाली के पार्टधारी कहे जावेंगे? क्या कहे जावेंगे है? महाकाली के पार्टधारी कहे जावेंगे। अभी भी बाप समझाते हैं कि जो समर्पित होकर चल रहे हैं उनको 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए, और जो समर्पित होकर नहीं चल रहे हैं वो सिर्फ 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करें तो भी बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो बोला बाहर में रहने वालों ने पूरा तीर चट कर लिया। बाप कहते हैं घर में रहने वाले इतना उठाए नहीं सकते हैं जितना बाहर वाले ले जावेंगे। अब बाहर वाले किसको कहा? जो उठा ले जावेंगे। बाहर वाले वो चंद्रवंशी जो चंद्रमा की रहवरी में पले हैं, पवित्रता का वातावरण जिन्होंने धारण किया है, उनकी तरफ इशारा है। ऐसे नहीं कि सभी बाहर वाले ले जावेंगे, नहीं।
ऐसे ही अंदर वालों का भी हिसाब है। सभी अंदर वाले एक जैसे नहीं होते हैं, कोई अच्छे पुरुषार्थी भी हैं और कोई नीच कोटि के पुरुषार्थी भी हैं। संसार को दिखाने के लिए कागज पर लिख कर देते हैं कि हम समर्पित हैं, सम माने संपूर्ण, अर्पित माने अर्पण में जीवन है, परंतु दिल एक दूसरे में फंसाए देते हैं, एक दूसरे की बात मानने लग पड़ते हैं, बाप की बातों को लात मार देते हैं। तो बोला अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। माया बुद्धि को एकदम चट कर देती है। अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, ऐसे नहीं कि आकर के चला गया, ब्रह्मा के तन में आया, मुरली चला के चला गया, नहीं, शिव बाबा आया है तब तो जयंती यादगार मनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, इस लोक में जैसा जन्म माना जाता है वैसा मेरा जन्म नहीं है। माना लोक में तो बच्चा पहले गर्भ में रहता है, गुप्त होता है, फिर बाहर में प्रत्यक्ष होता है, वो तो हद की बात हो गई, उसको जन्मदिन मनाना कहते हैं। लेकिन ये है बेहद का जन्म। कैसे? बाप पहले गुप्त होकर के पार्ट बजाते हैं, ऐसा गुप्त पार्ट बजाते हैं कि कोई को भी पता नहीं चलता, पक्का निश्चय नहीं होता कि बाप आया हुआ है। आज निश्चय करते हैं, कल निश्चय उखड़ जाता है। तो निश्चय बुद्धि जीने वाला कहें या घड़ी घड़ी मरने वाला कहें, क्या कहें? घड़ी घड़ी जीते हैं, घड़ी घड़ी मरते हैं। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? है मृत्यु लोक में है। फिर ऐसा भी टाइम आता है कि एक एक बच्चा अमरनाथ का अमर बच्चा कहा जाता है, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं पक्के, दुनिया हिलाना चाहे तो भी हिलते नहीं। ऐसे अमरनाथ के जो बच्चे बनते हैं वो फिर कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, विजयी बन जाते हैं, नई दुनिया का जो सुख है वो प्राप्त करते हैं। तो मेरा जन्म अलौकिक है तो बच्चों का जन्म भी अलौकिक है। बच्चे भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 84 जन्मों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, जो शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है, वो हर बच्चे का वो जन्म प्रत्यक्ष हो जाता है। हर बच्चा पहचानता है कि मेरा ये पार्ट है। दूसरी आत्माएं भी पहचानती हैं कि इसका ये पार्ट है, इसको कहेंगे अलौकिक जन्म। तो किसका अलौकिक जन्म है, किसका लौकिक जन्म है? तुम बच्चों के सिवाय और तो किसी का अलौकिक जन्म हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे माना, जो बाप को पहचानते हैं उनका अलौकिक जन्म, जो नहीं पहचानते हैं उनका लौकिक जन्म। ओम शांति।